प्लेट्यूज। अब प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेट्यू क्या है? एक उठी हुई फ्लैट जमीन कह सकते हैं। इट इज अ फ्लैट टेबल टॉप टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। उसे हम ऐसे कह सकते हैं जैसे एक ऊंची सी टेबल होती है बिल्कुल फ्लैट टॉप वाली, और वो पूरे एरिया से ऊंची होके खड़ी है। अब प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। प्लेट्यू की एक या एक से ज्यादा साइड्स भी हो सकती हैं और उनकी ढलान बहुत स्टीप होती है। द हाइट ऑफ प्लेट्यू ऑफन वेराइज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर्स टू सेवरल थाउजेंड मीटर्स। अब हाइट जो है प्लेट्यू की वो भी है, 100 मीटर तक के भी ऊंचे हो सकते हैं, 1000 मीटर तक के भी ऊंचे हो सकते हैं। प्लेट्यूज लाइक माउंटेन्स मे बी यंग और ओल्ड। अब प्लेट्यूज जो है पहाड़ों की तरह यंग भी है और ओल्ड भी। डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज। डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया में है वो सबसे पुराने प्लेट्यू बोले गए हैं। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ द ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जांपल्स। इसी तरह से ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू जो कि केनिया, तंजानिया और युगांडा को कवर करते हैं, साथ ही साथ वेस्टर्न प्लेट्यू जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये भी बहुत पुराने प्लेट्यूज के एग्जाम्पल है। द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद अ हाइट ऑफ 4000 टू 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल। जबकि तिब्बत प्लेट्यू जो है उसको सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू मानते हैं दुनिया का, क्योंकि उसकी हाइट जो है 4 से 6000 मीटर है सी लेवल से। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। अब प्लेट्यूज की क्या वैल्यू है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके अंदर बहुत मिनरल्स होते हैं। As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateau area. जितनी भी खदानें होती हैं, चाहे कोयले की हो, गोल्ड की हो, किसकी भी हो, वो सारे के सारे जो हैं इन्हीं plateau areas में मिलती हैं। The African plateau is famous for gold and diamond mining. African plateau जो है वो बहुत famous है gold और diamond mining के लिए। In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in the Chota Nagpur plateau. जबकि इंडिया में अगर देखा जाए तो आयरन, कोल और मैग्नीज इनकी जो खाने हैं वो मिलती है छोटा नागपुर प्लेट्यू में। इन द प्लेट्यू एरियाज देयर मे बी सेवरल वाटरफॉल्स एज द रिवर फॉल्स फ्रॉम द ग्रेट हाइट। प्लेट्यू एरियाज में बहुत सारे वाटरफॉल्स मिलेंगे क्योंकि रिवर फॉल जो है वो कहां से होता है? बहुत ऊंचाई से। इन इंडिया द हुंदरू फॉल्स इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द रिवर सुबर्ण रेखा एंड द जॉग फॉल्स इन कर्नाटका आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सच वाटरफॉल्स। इंडिया में हुंदरू फॉल्स है जो कि छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, और वो कौन सी नदी पे आते हैं? सुवर्ण रेखा पे। और दूसरे हैं जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटका पे है, और वो भी इसी तरह के एग्जांपल्स माने गए हैं। द लावा प्लेट्यूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। लावा प्लेट्यूज जो है वो उनके में लावा है तो इसलिए उनकी सॉइल कैसी होती है? ब्लैक, और वो बहुत फर्टाइल होती है और बहुत ही खेती के लिए अच्छी होती है। Many plateaus have scenic spots and are of great attraction to tourists. बहुत सारे plateaus ऐसे भी हैं जो कि scenic beauty यानी natural scenery के लिए अच्छे माने जाते हैं और tourists उसकी वजह से उनकी तरफ attract होते हैं। Plains. Plains are the last stretch of flat land. अब हम plains किसको कहते हैं? एक बहुत ही area ऐसा जो बिल्कुल plain है, flat है, खूब दूर दूर तक, मीलों तक flat land होता है। They are generally not more than 200 meters above the sea level. और इनकी generally इनकी height कितनी है? Hardly sea level से 200 meters. Some plains are extremely level. कुछ plains जो है बिल्कुल समतल होते हैं. Others may be slight rolling and undulating. कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. ज्यादातर ये plains कौन बनता है या किससे बनते हैं? नदियों से या उनकी जो धाराएं आ रही होती है उनसे. The rivers flow down the slope of mountains and erode them. जो नदियाँ हैं, वो पहाड़ों से बहती हुई आती हैं और नीचे आते-आते वो चीजें जो हैं वहाँ से साफ करती जाती हैं। They carry forward the eroded material. जो भी वहाँ से सामान होता है, जो भी उसके ऊपर पड़ा होता है, वो उसे बहा ले जाती हैं। Then they deposit their load consisting of stones, sand and silt along their courses and in their valleys. और फिर ये बहाकर कहाँ ले जाती है? जो उसके पत्थर होते हैं, रेत होती है या जो भी उसकी सिल्ट आ रही होती है, वो सारी की सारी अपने किनारे पे ले जाती हैं। इट इज फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स दैट प्लेन्स आर फॉर्म्ड। और इसी की वजह से क्या होता है? प्लेन्स बनते हैं। जनरली प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल। ज्यादातर प्लेन्स जो है वो बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ईजी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाता है। द
Thus, these plains are very thickly populated regions of the world. इसी वजह से plains जो हैं, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बसना पसंद करते हैं और इसीलिए वहाँ पर population बहुत ज़्यादा होती है. Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े जो plains हैं, जो कि river द्वारा बनाए गए हैं, वो either Asia में मिलते हैं या North America में. For example, in Asia, these plains are found by the Ganga and Brahmaputra in India and the Yangtze in China. अगर एशिया की बात करें तो सबसे ज्यादा बड़े बड़े प्लेन्स किसने बनाए हैं? कौन सी दो नदियां हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र. और चाइना में कौन सी नदी है? यांगसी. प्लेन्स आर द मोस्ट यूजफुल एरियाज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन. ह्यूमंस के रहने के लिए सबसे ज्यादा आइडियल प्लेस को प्लेन्स माना गया है. देयर इज अ ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज एज वेल एज फॉर कल्टिवेशन. यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समतल जमीन जो है वो अवेलेबल होती है, चाहे घर बनाने के लिए चाहे खेती करने के लिए. बिकॉज ऑफ द फर्टाइल सॉइल्स द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टिवेशन. लैंड बहुत फर्टाइल है, वहाँ की सॉइल बहुत ज़्यादा अच्छी है, इस वजह से यहाँ पर खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है. इन इंडिया टू द इंडोगैन प्लेन्स आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द कंट्री. भारत में देखा जाए तो ये जो इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हैं, ये सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज माने गए हैं हमारे कंट्री के. लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल. ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन अ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज. लोग जो हैं, यानी ह्यूमन हम इंसान जो हैं, वो अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे अलग अलग तरीकों से रहते हैं. लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेनियस एरियाज. जो लाइफ है हमारी वो पहाड़ों पर बहुत ज्यादा, एक तरह से कहना चाहिए, आसान नहीं है रहना वहाँ. प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस. प्लेन्स पे रहना बहुत इजी होता है. इट इज इजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन दैन अ माउंटेन. माउंटेन की जगह अगर हम प्लेन पे रहने की बात करें तो वहां पर हम क्रॉप्स बहुत आसानी से उगा सकते हैं, घर अपना बना सकते हैं, यहाँ तक कि प्लेन रोड भी मिल सकती है. कैन यू पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस इन द वेज पीपल लिव ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म. अब अगर आप देखो, डिफरेंस निकालने की कोशिश करो कि किस तरह से अलग अलग लैंडफॉर्म्स पे लोग रहते हैं. Sometimes natural calamities like the earthquakes, volcanic eruption, storms and floods cause widespread destruction. कई बार होता है कि जो natural calamities आ जाती हैं, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, बाढ़ आ गई, या क्या कहते हैं तूफान आ गया, इससे भी बहुत तबाही मचती है. Huge loss of life and property takes place. बहुत ज़्यादा, चाहे जिंदगी हो चाहे उनकी संपत्ति हो, सब पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. By creative awareness about such incidences, we may lower the risk. पर अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा अपनी awareness दिखाएं, थोड़ा सा सावधानी बरतें, तो इस तरह के हम incidences को थोड़ा कम कर सकते हैं. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. अगर हम अपने आसपास के ही surrounding area को देखें, तो हमें समझ में आएगा कि हम किस तरह से पानी और ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, constructing houses on a fertile land. कई बार ऐसा भी होता है कि हम जमीन को जो है बहुत ही, जैसे कहेंगे ना, हमारे लिए बेकार है, उस तरीके से यूज कर लेते हैं. जैसे कि हमने एक बहुत उपजाऊ जमीन है, वहाँ पर अगर खेती हो तो फसल बहुत अच्छी होगी, लेकिन हम वहाँ क्या करते हैं, वहाँ जमीन पे अपना घर बना देते हैं. सिमिलरली वी थ्रो गार्बेज ऑन लैंड और इन वाटर मेकिंग देम डर्टी. उसी तरह से क्या करते हैं, हम कूड़ा लिया, जमीन पे फेंक दिया या पानी में डाल दिया, उससे क्या हुआ, जमीन और पानी दोनों ही गंदे हो गए. वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पॉर्टेंट गिफ्ट्स ऑफ नेचर इन अ केयरलेस मैनर. अगर हमारे से कहा जाए तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमें ये जो है नेचर के द्वारा दी गई एक बहुत अच्छी गिफ्ट्स है, हमें इसको इस तरह से केयरलेसली नहीं यूज करना चाहिए. द अवेलेबल लैंड इज नॉट ओनली फॉर आवर यूज. जो हमें जमीन मिली है इसका खाली इस्तेमाल हमें अपने लिए ही नहीं करना है, बहुत से लोग हैं. इट इज आवर ड्यूटी टू लीव द अर्थ अ बेटर प्लेस फॉर फ्यूचर जनरेशन एज वेल. अगर आज हम अपनी इस जमीन को गंदा करते हैं तो कल के दिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको हम एक साफ जमीन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने पहले से ही उसे इतना गंदा कर रखा है. तो इसलिए हमें अर्थ को साफ रखना या उसको एक अच्छी जगह बनाना, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन जो है उस पर अच्छे से रह सके, ये हमारी ड्यूटी बनती है. तो बच्चों, चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल ASA Education. Bye.